बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी नई किताब है, मेरी कहानियाँ, और ये इसका फ्रंट टाइटल है, ये दिस इज़ द बैक कवर। ये किताब आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए कि दिस इज़ माय न्यू बुक, और इंशाल्लाह विद इन 8 to 7 डेज मार्केट में भी ये अवेलेबल होगी। इसमें करीबन 11 कहानियाँ हैं, और सब कहानियाँ जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ इन अ सेंस के ये वो कहानियाँ नहीं हैं जैसे एक हीरोइन है, एक हीरो है और एक विलन आता है और फिर दे गेट सेपरेट है। ये कहानियाँ असल में आम लोगों की कहानियाँ हैं, मेरे जैसे लोगों की कहानियाँ हैं, आपके जैसे लोगों की कहानियाँ हैं, जो हमारा कल्चर है, जिस माशरे में हम लोग बड़े हुए हैं। असल मसला जो इस कहानियों में मैंने उजागर करने की कोशिश की है वो ये है कि जिस धोखे में हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं कि आने वाला कल बहुत अच्छा होता है, वो somehow to me it's not true। मुझे ये बात अब जाकर महसूस होती है जबकि मुझे लगता है मैं अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ, कि ज़िंदगी वही होती है जो आप आज गुजार रहे हैं, और इंतज़ार 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 कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप आज किसी के साथ बुरा करें और आप कहें कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोशिश करें कि अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छे तरीके से रहें। इस कहानी में मैंने ये सब जो है मसाइल उजागर करने की कोशिश की है कि हम लोग जिस लम्हे में ज़िंदा हों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो लम्हा जो है हमें उसको अटेन कर लेना चाहिए, अचीव कर लेना चाहिए समहाउ। मैं आपको इसमें से जो हर किताब के स्टार्ट में मेरी डायरी से एक सफ़ा हुआ करता है जिसके अंदर मैं अपनी बात लिखती हूँ, वो कि किरदारों की बात मेरी बात नहीं होती है, वो स्ट्रिक्टली किरदारों की बात होती है। तो मैं आपको सुनाती हूँ मेरी डायरी से कि ये कहानियाँ जो लिखी गई हैं इनमें मेरा कुछ कमाल नहीं, जहन में तस्वीरें बनती गईं और कागज़ पर फैलती गईं, चंद एक इस किताब में छप गई हैं और बाकी वही मेज़ पर पड़ी रह गई हैं। इन कहानियों से लोगों की ज़िंदगी बदलना मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है, ना ही ये कहानियाँ मेरी हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये हमारे माशरे की कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ उन लोगों की हैं जो हमारे आसपास चुपचाप ज़िंदगी बसर किए जाते हैं। आपसे बस कहना है तो ये कि ज़िंदगी में कोई आने वाला कल नहीं होता, एक दिन सब ठीक हो जाएगा महज एक मफरूज़ा है। इंसान अजीब है, जो होता है वो उसे दरकार नहीं, और जो नहीं होता इसी की कशिश से खींचे चले जाती है, इसी सब में वक्त निकल जाता है, ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है मगर इंसान वहीं खड़ा रह जाता है। इन तमाम कहानियों का मरकज़ यही एक बात है कि जिस लम्हे में हम जिंदा हों इसको वक्त रहते पहचान लें, नहीं तो अपनी ही पहचान खो जाती है। इस दुआ के साथ कि आप सब जो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह ताला आपको उसके अंदर कामयाब व कामरान करे, और ज़िंदगी के अंदर कोई भी पछतावा लेकर जीना बहुत मुश्किल होता है। इस किताब का मकसद सिर्फ यही है। आई वुड रियली अप्रीशिएट एंड आई वुड लव दैट कि आप लोग ये किताब पढ़ें और मुझे अपने फीडबैक से नवाजें, और जस्ट लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड इट, और मैं इंशाल्लाह अपने एक और नावल पे काम कर रही हूँ, तमाम उम्र उसी की रही और उसके ऊपर बहुत मेहनत करी हूँ। दुआ कीजिएगा कि कामयाब हो जाऊँ करने में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।